आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चुनाव आयोग ने आज 15वें राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी और 21 को नतीजे आएंगे। डेट ऑन विच ए पोल शेल इफ नेसेसरी बी टेकन इज 18th ऑफ जुलाई 2022 एंड डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शेल बी टेकन एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड दैट वुड बी 21/7/2022। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में 776 सांसद हैं और सभी राज्यों के कुल 4,033 विधायक हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 4,809 मतदाता वोट देंगे। आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकेगी और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा। किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। रामनाथ कोविंद 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति बने। भड़काऊ बयान देने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इशारों में BJP पर तंज कसते हुए ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुझे FIR का एक हिस्सा मिला है, ऐसी FIR मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसमें ये नहीं बताया गया है कि अपराध क्या है। सोचिए कि एक हत्या के बारे में FIR हुई है जहां पुलिस ने ये बताया ही नहीं कि किस हथियार से हत्या की गई। मुझे नहीं पता कि मेरे किस बयान के चलते ये FIR हुई है। दिल्ली पुलिस की FIR के बाद ओवैसी के समर्थकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और BJP के निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको UAPA के अंदर में गिरफ्तार करे। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी समेत 33 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, मौलाना मुफ्ती नदीम, गुलजार अंसारी, यती नरसिम्हानंद और दानिश कुरैशी के नाम शामिल हैं। इस बीच नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है, ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलॉक्टर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में कल राज्यसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा के लिए 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है, जिनमें 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी बची 16 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इनमें महाराष्ट्र की 6, राजस्थान की 4, हरियाणा की 2 और कर्नाटक की 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अपने उम्मीदवारों को जिताने और विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस ने सभी विधायकों को उदयपुर भेज दिया है। इसी बीच कांग्रेस का आरोप है कि BJP विधायकों की जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। हरियाणा में भी अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 13 जून को पूरे देश में ईडी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में किया जाएगा। दिल्ली में इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सांसद और CWC के सदस्य शामिल होंगे। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, CBI, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर BJP ने भी पलटवार किया। ये वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है जिसने हमेशा देश को लूटा है। ये डरे हैं, घबराए हैं, थर थर कांप रहे हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है, जिसके बाद से ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी एक बाइक में तोड़फोड़ करते नजर आए।
पुलिस के मुताबिक कानपुर हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग के भी संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के खाते में विदेश से पैसे आए थे। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में इलाके के एसीपी और थानेदार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के कुछ मिनट पहले ये दोनों हयात जफर हाशमी के संपर्क में थे। बंद का आह्वान था, ठीक है, 3 तारीख का, और उसके लिए हमने बुला करके उसे आगाह किया था कि बंद का आह्वान आप नहीं कर सकते, आपने कोई परमिशन नहीं ली हुई है, किसी भी हालत में ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन के 151 तरीकों का जिक्र है। वहीं कल तक सिर पर कफन बांधकर निकलने की धमकी देने वाले शहर काजी मौलाना अब्दुल अपने बयान से पलट गए। पूरी इज्जत है उनको मिली हुई है, किसी तरह कोई मसला नहीं, और जो है इधर जोश खरोश उनके कुछ बातें कही भी दी हैं, तो बहरहाल ये वक्ती थी और राजी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम कोई उसका हम और आप उसका कोई गलत यूज या इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले कानपुर में संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।